मार्केट एसोसिएशन जिंदाबाद, मार्केट एसोसिएशन जिंदाबाद, मार्केट एसोसिएशन जिंदाबाद, मॉडल टाउन वासी जिंदाबाद, मॉडल टाउन वासी जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। पिंजौर नालागढ़ रोड पर बनाए जा रहे आरओबी को लेकर दुकानदारों व स्थानीय निवासियों का धरना प्रदर्शन पिछले 14 दिनों से जारी है। जानकारी देते हुए मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान आजाद सिंह ने बताया कि वे अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह आरओबी रिटेनिंग वॉल के सहारे बनाया जा रहा है, जिसको लेकर उक्त मार्ग पर बनी रोड की दोनों ओर दुकानों की कनेक्टिविटी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही कई कॉलोनियों को लगते रास्ते भी बंद हो जाएंगे, जिसको लेकर सभी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यहां पर इस आरओबी को रिटेनिंग वॉल की बजाय पिलरों पर बनाया जाना चाहिए, ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो सके। उपस्थित सभी स्थानीय लोगों व दुकानदारों ने बताया कि आरओबी को बनाए जाने से उनका कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा और हजारों लोगों की रोजी रोटी पर बन आएगी। इसलिए सरकार व विभाग के अधिकारियों को हमारी मांग की ओर गौर करना चाहिए। उन्होंने बताया कि गत 22 मार्च को शहर में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे थे और उन्होंने इस आरओबी को पिलरों पर बनाए जाने के लिए उन्हें ज्ञापन भी सौंपा था, जिसको लेकर उन्हें आश्वासन भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, हम लोग यूं ही धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इस मौके पर प्रधान आजाद सिंह, गुरबाग सिंह धमाड़ा, विकास कुमार मोती आदि भी मौजूद रहे। आज अपना धरना है, कौन सा धरना, कितना दिन है ये? 11 तारीख से हमारा धरना चल रहा है जी, और ये मॉडल टाउन में जो फ्लाईओवर बन रहा है, इसके रोज प्रदर्शन है ये, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समस्या लोगों को आने जाने की और दुकानदारों को काफ़ी हो गई। इसलिए हम सरकार से मांग की, हमने 22 तारीख को दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री हरियाणा को कल का में ज्ञापन भी दिया था और उसने उन्हें आश्वासन भी दिया था, लेकिन अभी तक इसके काम इसके पर कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो पाई है। और हमारी सरकार से ये मांग है कि भी जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई कार्रवाई करके किसी न किसी तरीके में हमारे को पिलरों पर ये जो है प्रो बनाया जाए। अगर नहीं मांग करते तो आपकी क्या? हमारा धरना तब तक जारी रहेगा तब तक हमारी मांगे नहीं मानी। नमस्कार जी, मेरा नाम विकास कुमार है और हम काफी समय से यहाँ पे धरना लगा के बैठे हैं। जैसे कि अभी हमारे प्रधान आजाद जी ने आपको बताया कि हम अपने इस समस्या को लेकर काफी दिन से यहाँ बैठे हैं और हमने डिप्टी सीएम साहब को भी और अन्य अधिकारियों को भी अपनी तरफ से विज्ञापन सौंपे हैं, ताकि हमारी समस्या का जल्दी जल्दी समाधान हो और इस जो मिट्टी वाला पुल है इसकी जगह पिलरों वाला पुल बनाया जाए। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी अधिकारियों को, अगर डिप्टी सीएम इस अपील को सुन रहे हैं, तो मेरी उनसे यही अपील है कि हमारी मांग को जल्दी जल्दी पूरा किया जाए और हमारी तरफ ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।